नमस्कार मित्रों, मैं जयप्रकाश तिवारी, प्रिंसिपल बरोड़ा पब्लिक स्कूल। हम आज सभी अपने मित्रों से, पेरेंट्स से, बच्चों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि कोरोना वायरस जो कि पूरे विश्व में फैला हुआ है, चाइना से निकला और आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, दिल्ली में मैक्सिमम इसके अपीयर होने के चांसेस हैं और दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल, कॉलेजेस और बहुत सारे सार्वजनिक स्थान बंद कर दिए हैं। भारत सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों पर रोक लगा दी है। सो हम ये चाहते हैं कि कोरोना वायरस किसी में दिखे, अपीयर हो, इससे पहले ही हम कुछ ऐसे उपचार करें जिससे कोरोना वायरस फैले ही ना, जिसके लिए भारतीय परंपरा में हमेशा नमस्ते का साइन दिया गया है। कृपया आप हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें, एक साथ किसी एक थाली में खाना ना खाएं। अगर आपको ज़रा भी कफ, स्नीज, छींक आती है, कफ जैसा लगता है, खांसी आती है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें और खांसते समय हैंकी, हैंकरचीफ अपने साथ ज़रूर रखें, अपने मुंह पे, अपने नाक में लगाएं। अगर आपको ज़रा भी अनकंफर्टेबल लगता है तो आप स्कूल, कॉलेज ना जाएं, क्योंकि गुजरात में भी इसके मामले बहुत कम दिख रहे हैं, अभी नज़र में नहीं आए हैं, लेकिन चूँकि चारों तरफ फैल रहा है इसलिए कहीं भी फैल सकता है। इसलिए हमारी अपील है कि ये कहीं फैले या इसके मामले कहीं दिखें, इससे पहले ही सभी लोग इस तरह का काम करें कि इसे फैलने ना दें। साथ ही साथ हम जब भी सोने से पहले गर्म पानी का सेवन करें, फ़ैन ना चलाएं रात में, अगर हो सके तो धूप में 10-15 मिनट टहलें, क्योंकि गर्मी से कोरोना वायरस कम हो जाता है या उसके चांसेस कम होते हैं। फ्रिज का कोई भी आइटम यूज ना करें, ना आइसक्रीम खाएं, ना बच्चों को खिलाएं, बच्चे जिद करते हैं तो भी उन्हें नहीं खिलाएं। सॉफ्ट ड्रिंक ना पिएं, कहीं भी आप बाहर जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक ना पिएं। अगर इम्यूनिटी पावर रहेगी बॉडी में तो कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि साफ़ सफाई पे अपने विशेष ध्यान दें, 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी बनाए रखें। अगर बच्चे में भी इस तरह से कोई लक्षण दिखते हैं तो आप उनको भी साफ़ सफाई के साथ साथ ही साथ उनको 1 मीटर की दूरी से अपने से दूर रखें और उनको भी सुरक्षा प्रदान करें। अब रही बात कोरोना वायरस में जो भी बीमार हो जाते हैं या इस तरह का कुछ उन्हें शंका होती है कि हमें कोरोना वायरस जैसा हो गया है, तो वो तुरंत हॉस्पिटल में मिलें, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में मिलें, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलें, जिससे उनका रजिस्ट्रेशन होता है और उनके तमाम बीमारियों की जाँच करने के बाद उनकी रिपोर्ट ऊपर भेज दी जाती है। कभी कभी शक और शंका भी हो जाती कि हमें कोरोना वायरस हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तब आपको वहाँ से ऊपर से जांच के लिए आएगा। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम निकाले हैं और एक टोल फ्री नंबर भी दिया है जिस पे आपको इस तरह का कुछ लगता है तो आप फ़ोन करें और तुरंत टीम आएगी, आपकी जाँच पड़ताल करेगी आपको इस तरह का वायरस है कि नहीं। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि इसके उपचार की मेडिसिन अवेलेबल है, यह उपचार आसानी से किया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें भारत में मामले दिखे और इनका उपचार हुआ और वो ठीक भी हो गए, तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस जैसे बीमारियों से बचने के लिए हमेशा सावधानी बरतें। हमारी यही अपील है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अपने आप में हमेशा सजग रहें। नमस्कार, धन्यवाद।